तो हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही मजेदार सी चीज रिलेटेड टू इंस्टाग्राम स्टोरी। यस गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे एक से ज्यादा फोटो आई मीन मल्टीपल फोटोज को ऐड कर सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी को एक लेवल अप आई मीन बहुत ही कूल बना सकते हैं। जी हाँ गाइस, जो मैं मेथड आज बताने वाला हूँ वो बेसिकली एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, क्योंकि iOS में फिर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है मल्टीपल फोटोज ऐड करने का, बट अभी तक ये ऑप्शन एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है। तो बिना वेस्ट किए टाइम सीधे चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है गाइस कि आज के टाइम में अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है तो आपको अपना एंगेजमेंट अपने फॉलोअर्स के साथ बढ़ाना होगा और इंस्टाग्राम स्टोरी से बेहतर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है डे टू डे लाइफ में अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज रहने का और साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करवाने का। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मल्टीपल फोटोज को ऐड कर सकते हैं और एंगेजमेंट जो अपने फॉलोअर्स के साथ बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को खोल लीजिए। प्ले स्टोर पे जी बॉक्स बोल के एक एप्लीकेशन है, उसको अपने फोन पे इंस्टॉल कर लीजिए। यस गाइस, आज हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे एक से ज्यादा फोटोज को ऐड करेंगे और इंस्टाग्राम की स्टोरी को बहुत ही कूल बना देंगे। यस गाइस, जैसा कि मैं अपने फोन पे जी बॉक्स वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर चुका हूँ पहले से ही, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैं जी बॉक्स को खोल चुका हूँ। तो जैसे ही आप जी बॉक्स वाले एप्लीकेशन को अपने फोन पे खोलेंगे तो सबसे पहले आपका लॉगिन पेज खुलेगा। आप अपने जीमेल से क्या कीजिए, लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद जो आपका इंटरफेस खुलेगा उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो ऐप है वो बेसिकली इंस्टाग्राम को देखकर ही बनाया गया है, क्योंकि इसके जो फीचर्स है वो आपके इंस्टाग्राम के बहुत सारे काम को आसान करने वाले हैं। जैसा कि इसका जो फीचर्स है, हैशटैग्स वाला, आपको अपना फोटो अपलोड करना है इस पे और आपके फोटो के हिसाब से ये अपने 30 हैशटैग्स को आपके सामने ला देगा। दूसरा आपका बहुत सारा फीचर जैसे कि फोटो इफेक्ट्स है, रीपोस्ट है, स्वाइप फोटो है, वीडियो स्प्लिटर है और भी बहुत सारा फीचर्स है इसमें। बट आज जो हम फीचर्स को यूज करने वाले हैं उसका नाम है जीबॉक्स कीबोर्ड। गाइस, जीबॉक्स कीबोर्ड वाले आइकन को आपको क्लिक करना है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको फिर वो जो परमिशन मांग रहा है उसको अलाउ कर देना है और सेटिंग्स में इसको क्या करना है, इनेबल कर देना है। तो मैं जीबॉक्स वाले कीबोर्ड को सेटिंग्स में जाके इनेबल कर देता हूं। लो, मेरा जीबॉक्स कीबोर्ड इनेबल हो चुका है। अब हमको सीधा से जाना है इंस्टाग्राम पे। हमको अपने इंस्टाग्राम को खोल लेना है और इंस्टाग्राम पे भी अपने स्टोरी को आपको खोल लेना है। उसके बाद आपको कोई भी अपना फोटो क्लिक करना है और फिर उसको सॉलिड बैकग्राउंड में आपको चेंज कर देना है। अगर आपको सॉलिड बैकग्राउंड में चेंज करना नहीं आता है तो ऊपर में पेन वाला ऑप्शन है, उसको आप क्लिक कीजिए और फिर जो भी बैकग्राउंड का कलर आपको चूज करना है उसको आप चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है और फिर देखिएगा कि आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया है, आई मीन सॉलिड बैकग्राउंड में चेंज हो गया है। फिर आपको अपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर वहां पे आपका जीबॉक्स कीबोर्ड खुल जाएगा। उसमें आपको देखना है कि नीचे में आपको एक फोटोज वाला ऑप्शन मिल रहा है, उस फोटोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर आपको दिखेगा कि आपका फोटोज खुलने लगा है। अब आप क्या कीजिए, जो जो फोटोज को आपको अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे लगाना है उस पे क्लिक कीजिए और बस आपका कोलाज बन गया। सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल है गाइस। आप भी अब इस सिंपल से ट्रिक को फॉलो कीजिए और ये जो ऐप मैं बताया हूँ जी बॉक्स, वो आपको डे टू डे लाइफ में भी बहुत ही मदद करेगा। उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, आप खुद जाके उसको यूज कीजिए, देखिए कि उस ऐप में और भी क्या क्या फीचर्स हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको फ्यूचर में आपको कोई और वीडियो देखने का मन है तो उस पर भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है। और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।